हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्टडी के AKN22 चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है जानेंगे, और इसके साथ साथ हमें ये पढ़ना है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें जानेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने कितना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन परमाणु का एक संगठन है, परमाणु का एक अवयव है, जो परमाणु के बाहरी नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमता रहता है और इस पर ऋण आवेश होता है, लेकिन प्रोटॉन के आवेश के बराबर ही होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इतना आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। अब एक कूलाम क्या होता है? एक कूलाम किसे कहते हैं? तो एक कूलाम आवेश को ले जाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है वह एक कूलाम आवेश के बराबर होता है। तो हम आवेश को, माने आवेश को हम लिख सकते हैं आवेश बराबर, हम लिख सकते हैं कि n गुणे इलेक्ट्रॉन, n गुणे इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। यहाँ n क्या है? n संख्या है, माने इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं क्यू बराबर एन ई। तो अब हमें यहाँ से एन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एन बराबर हो जाएगा क्यू अपान ई। तो क्यू अपान ई हो गया। अब हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो रही है। अब इसको हम सरल ढंग से निकाल सकते हैं। तो इसको लिख देंगे कि n बराबर q, q एक कूलम है तो हम यहाँ पर एक लिख देते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 1.6 × 10⁻¹⁹। अब इसको सरल कर देंगे। तो इसको सरल करेंगे तो हम n बराबर क्या लिखेंगे? हम लिख देंगे n बराबर 1/1.6, और इसको लिख सकते हैं कि गुड़े, देख रहे हैं यहाँ पर 10⁻¹ है, तो 10⁻¹ को हम ऊपर ले जाएं तो हो जाएगा 10⁻¹ प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से n बराबर कितना हो गया? n बराबर आ गया 1 × 10⁻¹। और देखिए अब नीचे बचा है 1.6। अब इसको हमको सरल करना है, तो इसको कैसे सरल करेंगे? तो हम लिख सकते हैं इसको n बराबर 10 × 10⁻¹⁹ ये हो गया 16। हमने क्या किया, इसमें 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 10 में 16 का भाग कर देंगे। तो 10 में जब 16 का भाग करें कितना आ जाएगा? तो 16 ऐसे करके हम भाग कर लेते हैं, ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं कि 10 भागे 16। तो 10 बढ़ाएंगे 0 आ जाएगा, 16 × 96 हो गया, आ गया 4 16 2 32 हो गया, 8 16 25 80 आ गया 0.6
छः दो पाँच और गुड़े दस घाते, दस घाते उन्नीस हो गया। अब देखिए हम इसके दशमलव को हटा देंगे, दशमलव को हटाएंगे कितना हो जाएगा, देखिए एक दशमलव हम यहाँ पर ला देंगे तो मैंने इसका मानक रूप लिख देंगे, मानक रूप जब लिखेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा छः दशमलव दो पाँच और गुड़े हो जाएगा दस घाते अठारह इलेक्ट्रॉन। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक कूलाम आवेश को ले जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, छः दशमलव दो पाँच गुड़े दस घाते अठारह इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।